आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ चार पढ़ेंगे, है ना, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, है ना। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, है ना। और ये संपूर्ण आधुनिक हिंदी कविता के एक अति विशिष्ट कवियों के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ये आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे, है ना। साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर सिंह बहादुर जी ने कविता के अलावा उन्होंने निबंध, कहानी, डायरी आदि भी लिखी हैं, है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 मई 1993 को हुई थी, है ना। अब हम इनका इनकी जो कविता है उसको हम पढ़ते हैं। अब हम कविता का भावार्थ पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो कविता है आपकी, इसमें एक बच्ची है जिसने क्या है, अपनी 10-11 साल की एक लड़की है, और एक लड़की ने अपने मन का वर्णन किया है, है ना। उसने चांद से वो बातें करती हुई दिखा रही है। तो उन्होंने क्या कहा इसमें कि क्या कहती है लड़की, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, है ना। तो लड़की क्या कहती है, चांद से बातें कर रही होती है और कहती है, वो बच्ची चांद को देखकर कहती है कि आप बहुत गोल हैं, है ना, पर आप मुझे कैसे नज़र आते हैं, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, है ना। और जो उनके जो आकाश है, उसने आकाश को क्या बोला, उनके वस्त्र बोला, है ना। और उसने साथ ही आकाश में जो तारे लगे हुए हैं, है ना, तो उसने कहा कि आपके वस्त्र में जो सितारे हैं, जो तारों के समान जो सितारे आपके चमक रहे हैं, चांद का जो सारा शरीर क्या है वस्त्र से ढका हुआ है, केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुँह जो है वो दिखाई दे रहा है। फिर लड़की कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोंकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, है ना। तो उसने क्या कहा कि आपकी अपनी जो पोशाक को है आप चारों तरफ फैलाए हुए हैं, मतलब चारों तरफ जो क्या है चांद ने क्या, चांद के चारों तरफ क्या होता है आकाश होता है ना, तो उसने उसका वस्त्र बताया हुआ है। तो उसने कहा कि आप उसको पहनकर बैठे हुए हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में आपकी जो पोशाक है वो फैली हुई है। फिर लड़की आगे कहती है कि वे उसे कम अक्ल वाले ना समझे, मतलब उसने कहा कि बुद्धू ना समझे मुझे, है ना, कि उसको पता है कि आपको कोई बीमारी है, जब आप घटते हैं, है ना, तो घटते ही चले जाते हैं, है ना, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। और फिर वो कहती है, क्या कहती है कि आप लगातार घटते हैं, आप बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, है ना, आप पूरे कभी अब क्या बढ़ते बढ़ते आप पूरे गोल हो जाते हैं। और चांद की जो उसने कहा कि आपकी जो ये बीमारी है ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। फिर लड़की कहती है, चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े मुझे तिरछे नज़र आते हैं, आप हमें क्या बेवकूफ समझते हैं, जैसा कि हमको पता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, है ना, आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक नहीं रुकते, और आपकी जो ये बीमारी है ये बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, ना, आपकी जो मर्ज है, आपकी जो बीमारी है ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, है ना, है ना। अब मैं आपको इस कविता का आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको बताती हूँ कि किस तरह से लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले जिन पंक्तियों की हम व्याख्या लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं, गोल हैं खूब, है ना, डैश 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 आपका चारों स्मित, चारों चारों सिमत, ठीक है। फिर आपका इसमें हम वो लिखेंगे संदर्भ, है ना, संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ संदर्भ में क्या लिखते हैं। संदर्भ में हम ये लिखते हैं कि ये किस किताब से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक या रचयिता कौन है, उनको लिखा जाता है इसमें, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी बसंत भाग आएगा ना, बसंत भाग एक में संकलित
है ना, कौन सी है, चांद से थोड़ी सी गप्पे, चांद से थोड़ी सी गप्पे, है ना। यह पाठ्य हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग के प्रसंगी चांद से थोड़ी सी गप्पे कवि पाठ सॉरी पाठ से ली गई है, ठीक है, पाठ से ली गई है। इसके जो लेखक हैं, इसके रचयिता लेखक, इसके कवि या रचयिता होता है, रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, ठीक है, ये संदर्भ के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है इसमें प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में आपका जो पंक्तियों में कवि बात कहना चाह रहा है उसको हम लिखते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है वो कवि, इन पंक्तियों में बच्ची जो 10-11 साल की जो बच्ची है, बच्ची चांद को देख, बच्ची क्या कर रही है, चांद से बातचीत कर रही है ना। पंक्ति में बच्ची के, है ना, बच्ची की चांद नहीं आएगा, बच्ची की सुलभ, है ना, सुलभ कल्पनाओं के द्वारा चांद से बातचीत, है ना, चांद से बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो इसमें है, फिर आपकी व्याख्या आती है, है ना, फिर इसमें पूरा उसका सार लिखा जाता है। व्याख्या में क्या आता है, फिर लिखेंगे इन पंक्तियों में बच्ची चांद को देखकर क्या कहती है, चांद को देखकर कहती है, है ना, कि वह गोल है पर तिरछे नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं, है ना, वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है, है ना, उनके वस्त्र बताती है, है ना, फिर साथ ही क्या करती है, वो साथ ही आकाश में जो छाए हुए क्या थे, तारे, है ना, आकाश में छाए तारों को उनके क्या बताती है, उनके वस्त्र में क्या था, उनके वस्त्र में चमकते सितारे, है ना, चमकते हुए सितारे बताती है,
बताती है ना, फिर चांद का, फिर उसको बोलती है कि चांद का सारा शरीर वस्त्र से है ना ढका है। केवल चांद का गोरा चिट्टा है ना, गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है है ना। फिर लड़की चांद से कहती है, लड़की फिर क्या कहती है चांद से कहती है, क्या कहती है कि उनकी उनकी पोशाक है ना चारों दिशाओं है ना। तो उसने कहा कि चारों दिशाओं में है ना फैली हुई है। फिर लड़की आगे कहती है, लड़की क्या कहती है ना इसमें आगे आपकी पंक्तियों में हम इसको लिखेंगे है ना, आगे की पंक्तियां हैं जो आपकी, इसको इतना ही लिखते हैं कि इसमें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं है ना। फिर आपका इसमें है, इसमें आएगा आप कुछ तिरछे, ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, आप कुछ है ना डेड और क्या है आता है तक है ना। इसका संदर्भ वही रहता है ना, इसका प्रसंग और संदर्भ सेम रहेगा क्योंकि इसमें लड़की चांद के बारे में बता रही है ना, तो इसलिए इसका संदर्भ और प्रसंग सही रहेगा, वही रहेगा। लेकिन अब हम व्याख्या करते हैं है ना, व्याख्या में है इसमें आपका। फिर आगे लड़की ने कहा था आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोंकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू नीरा समझा है ना। तो लड़की क्या कहती है, लड़की आगे कहती है, आगे कहती है वे उसे कम अक्ल है ना वाला समझते हैं है ना, उसे पता है ना। फिर उसने कहा कि मुझे पता है या उसे पता है, जो भी लिखना चाहे, उसे पता है कि चांद को बीमारी है ना। जब ये घटते हैं तो क्या कहती है वो लड़की, जब आप घटते हैं तो वे लगातार है ना घटते चले जाते हैं ठीक है, घटते चले जाते हैं है ना, और जब बढ़ते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़कर क्या हो जाते हैं,
बढ़कर पूरे गोल मटोल हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं, है ना। चांद की यह बीमारी, चांद को की यह बीमारी है ना ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है ना। उसने कहा कि आपको ये बीमारी है कि आप घटते जाते हैं तो लगातार घटते जाते हैं, फिर जब बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते जाते हैं, और आपकी बीमारी ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, है ना। तो ये आपका है, ये आपकी जो ये कविता थी इसकी इस तरह से आपने व्याख्या करनी है, है ना। फिर आपके इसमें लघु प्रश्न उत्तर हैं, लड़की ने चांद का वर्णन कैसे किया है, है ना। मैंने आपको बताया था लड़की ने चांद का वर्णन करते हुए कहा कि आप गोल नज़र आते हैं और आपका चेहरा गोल गोरा चिट्टा है और आप तारों से जड़ा हुआ आकाश ओढ़े हुए हैं जिसमें केवल आपका गोल जो गोल सा जो मुँह है वो दिखाई दे रहा है, है ना। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा के माध्यम से लड़की चांद से कहना चाहती है कि आप हमें ना समझ या कम अक्ल वाला ना समझे या बेकार ना समझते हैं, और आपको लगता है कि हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती है। हमें पता है कि आपको कोई बीमारी है जिससे कि आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर कि सितारे भी जड़े हुए हैं, है ना, है ना। अब आपका इसमें शब्दार्थ देखते हैं, इसमें दिशा है ना, गोंकी हालांकि मर्ज बीमारी जरा थोड़ा सिर्फ केवल पोशाक कपड़ा बुद्धू ना समझ घट के मतलब कम होना तीछे मतलब सीधा ना होना तारों जड़ा में तारों से भरा हुआ, है ना। अति लघु प्रश्न है इसके, मैंने आपको इसमें प्रश्न लिखे हैं, केवल मैं आंसर बोल रही हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे के कवि कौन है, कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। चांद से बातें कौन कर रहा है, 10-11 साल की लड़की कर रही है, है ना। चांद ने क्या पहना हुआ है, तारों जड़ा आकाश पहना हुआ है, है ना। लड़की को चांद कैसा नज़र आता है, लड़की को चांद थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है, है ना। चांद को क्या बीमारी थी, चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी थी, है ना। चांद का मुंह कैसा नज़र आता है, है ना, गोल मटोल और गोरा चिट्टा नज़र आता है। चांद कब कब घटता और कब कब बढ़ता नज़र आता है उसे, चांद जब चांद क्या होता है, जब अमावस्या आने वाली होती है तब चांद घटता है, और जब पूर्णिमा आने वाली होती है तब चांद बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपकी जो ये कविता थी, है ना, आप इसको पढ़ेंगे और उसका भावार्थ सार अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।